गाइस हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वन सेकंड, जहां पे आप अभी देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर डे सीरीज और हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू की काफी सारे टूरिस्ट प्लेस। इवन हम आज आए हैं काफी एक्सक्लूसिव ब्लॉग लेके, बिकॉज आज हम आए हैं बसौली पेंटिंग के आर्टिसन से आपको मिलाने के लिए। तो हमारे साथ है धीरज जी, नेशनल अवार्ड इन बसौली पेंटिंग। एंड गाइस, बसौली पेंटिंग की बात करी जाए तो ये पहचान है, जान है जम्मू की, और ये स्पेसिफिकली जम्मू का आर्ट एंड क्राफ्ट है। और इसमें जितनी भी स्टोरीज डिपिक्ट होती हैं वो कृष्णा से रिलेटेड और हमारे ओल्ड माइथोलॉजिकल जो भी स्टोरीज हैं वो सारी इसमें डिपिक्ट करी जाती है। एक तरह का मिनिएचर आर्ट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे इन आर्टिसन से और इनसे बात करते हैं, इनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे इन्होंने बसौली पेंटिंग सीखा और कहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कल्चर बॉक्स में। थैंक यू जी। एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने घर पे इनवाइट करा, जहाँ पे आज हमारे को धीरज जी दिखाने वाले हैं यहाँ पे उनके हाथ की बनी हुई बसौली पेंटिंग। तो धीरज जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने ये पेंटिंग सीखा, क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? एक्चुअली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तभी से मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ। तो स्टार्ट मैंने किया था सीनरी बनाने से, फिर उसके बाद आहिस्ता कैलेंडर बनाना शुरू कर दिया मैंने। मगर हमारे बसौली का जो था, एक जिसको ये बोल सकते हैं कि एक हमारे दिल में था कि नहीं, बसौली का आर्ट भी है। पहली बार जो लाइन सीखी थी मैंने कि बसौली में जो लाइनमेंट होती है वो कैसे होती है, तो वो मैंने अपने वाइफ से सीखी थी। ये बड़ी देर पहले की बात है, तब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। मगर आहिस्ता करते करते मैं एक हफ्ता इनके पास गया। मैं फिर घर में प्रैक्टिस करता था, फिर इन्हीं के साथ मैं काम करता था। स्टार्टिंग में 8th में पहली बार मैंने अपनी पेंटिंग सेल की थी, तो फिर मुझे लगा नहीं ये काम अच्छा तो मुझे करना चाहिए। 12th तक तो मेरे को अवार्ड वगैरह मिल गया था, स्टेट अवार्ड मुझे मिल गया था, नेशनल के लिए अप्लाई किया था, फिर नेशनल मिला। उसके बाद अभी फिलहाल तो मैं अब बच्चों को कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस काम को सीखने के लिए बड़ी मेहनत की है। तो गाइस, वैसे धीरज सर हैं एंड सोना मैम हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और 23 साल से बसौली पेंटिंग में काम कर रहे हैं। तो सोना मैम, मैं बताना चाहूँगी, खुद स्टेट अवार्डी भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोना मैम, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल कल्चर बॉक्स में। थैंक यू। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे आपकी जर्नी रही इस बसौली पेंटिंग में आने की? मैम, मुझे 23 साल हो गए इसमें काम करते हुए। एक्चुअली मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पादा फैमिली मेरी है, मेरा नाम सोना पादा है, तो मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ से ये ओरिजिन, कि हमारे जो फोफादर साहब थे वो राजाओं के वैद्य थे। तो वैदिक, जैसे हमारा जो राजा था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था, जैसे मुगल्स आर्ट उन्होंने ही लाया बसौली में। जब पेंटिंग जो राजा करपाल पाल थे, भूपत पाल थे, तो पाल खानदान से ये आर्ट हुआ है, शुरू हुआ है। तो वो ही मुगल टाइम से, वो जब दिल्ली में गए थे तो मुगल राज था, तो वहाँ पे ममडन वो थे, मुगल्स था, तो वो मुगल आर्टिस्ट यहाँ पे लेके आए थे। तो जब वो जम्मू कश्मीर में आए, बसौली में आए, बसौली एक स्टेट थी, जैसे राजधानियाँ होती हैं वैसे राजधानी बसौली भी थी। तो जो राजा थे उन्होंने अपने साथ आर्टिस्ट तो लाया, लेकिन जो जब वो आर्टिस्ट यहाँ पे आया तो उसने देखा यहाँ पे हिंदुज़्म ज़्यादा है। तो उसने, जैसे हम किसी हीरो को ढूंढते हैं कि हाँ किसको हम अपना हीरो रखें, तो उसने देखा यहाँ पे हिंदुइज्म है, तो उसने कृष्णा को लिया। तो वेस्ट ऑन राधा कृष्णा, ये राधा कृष्णा पे वेस्ट है। उसके बाद उसने बहुत सा वर्क किया, जैसे गीत गोविंद, उसने 3 सीरीज बनाई, रसमंजरी, रागमाला और गीत गोविंद, 3 सीरीज बनी बसौली पेंटिंग्स में। उसके बाद उसने बहुत सारा रागनीज पे भी काम किया, फिर शिवा पे भी काम हुआ, दुर्गा पे भी हुआ, तो काफ़ी सारी इसकी आगे बनाया, लेकिन फर्स्ट जो राधा कृष्णा है इसका, जो सीरीज बने हैं वो राधा कृष्णा पे बने हैं। अच्छा। और इसकी पहचान ही राधा कृष्णा से है। अच्छा जी। और मैम, ये समवट कितने साल पुराना ये क्राफ्ट होगा? मैम, ये 200 साल पुराना। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। तो कैसे इतना पुराना क्राफ्ट है, और मैम ने इसकी पूरी अभी तक आपको हिस्ट्री बताई है, और मैम और सर दोनों मिलके काफ़ी समय से इस आर्ट को रिवाइव करे हुए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से बसौली पेंटिंग बनाई जाती है। ये बसौली पेंटिंग बनाई जा रही है, इसमें जो कलर यूज़ हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जैसे ये ब्लू कलर है, तो ये नीला थोथा, नील का कलर है, ये एक स्टोन है। ये जो सारे कलर्स होते हैं ये स्टोन वेस्ट हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रीन है, तो ये लीफ का ग्रीन है, पत्तों का बनाया जाता है। जैसे हमारे पास ये रेड कलर है, तो ये शंग्रफ है, शंग्रफ एक मेडिसन है, तो वो उसको क्रश कर, एक स्टोन है, उस स्टोन को क्रश करके ये कलर इसलिए लॉन्ग लास्टेड होते हैं क्योंकि ये मेडिसन है,
ये स्टोन्स हैं, ये अर्थ कलर हैं, ये ओरिजिनल कलर हैं, इसमें कोई केमिकल वेस्ट नहीं है, ये ओरिजिनल कलर हैं। ये जो ब्रशेस होते हैं जिनसे ये काम कर रहे हैं, ये ब्रशेस हर एक डिफरेंट हैं। जैसे हम आइज़ बना रहे हैं तो आइज़ के लिए बिल्कुल ये गिलहरी के पूंछ, गिलहरी जो होती है ये गिलहरी के पूंछ के बाल, पूंछ के बालों को जो होता है वो इकट्ठा करके जो उसमें टिप वाले बाल होते हैं उनको निकाला जाता है, फिर उनको टाई अप उसको धागे के साथ किया जाता है। और इसके साथ ये परगा, ये जो अभी आप ये अभी हम नील पक्षी होता है उसका पंख को, जो पंख होता है उसको काट के उसको साफ करके उसके बीच में फिर इनको पिरोया जाता है और उसके बाद ये बैम्बो स्टिक लगाई जाती है। ये अभी परगा तो हमारे पास अभी इतना अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम ये क्या करते हैं स्टील की लगाते हैं, स्टील को कवर करके और उसके बीच में ये पिरोया जाता है गैलरी के। और ये बिल्कुल आप देखेंगे इसकी बिल्कुल बारीक से टिप दिखेगी आपको, सिर्फ दो या तीन बाल होंगे, जिससे क्या कि जैसे आप इसमें देख रहे हैं बसोली पेंटिंग जो मिनिएचर, मिनिएचर किसको कहा जाता है, मिनिएचर कहता है नेचर, मिनी प्लस नेचर, छोटी सी छोटी चीज़ जिसको नेचर की छोटी से छोटी चीज़ जिसको क्रिएटिव किया जाता है। अगर सिर के बाल देखोगे तो वो एक एक बाल आपको अलहदा अलहदा से दिखेगा, वो सिर्फ हम इसी ब्रश से कर पाते हैं। ये कलर्स के लिए हमारे पास ये शेल्स होते हैं, सीप जिसे बोलते हैं, समुंदर से निकलती है ये शेल्स, ऐसे रब करने के लिए हम किसी भी कटोरी में इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने का ये स्टोन कलर है। इसको करने से जैसे हम कलर किसी को घोलते हैं तो जो स्टोन होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो कलर होता है वो कलर इसके ऊपर आ जाता है, वो कलर यूज़ होता है, इसलिए ये पेंटिंग लॉन्ग लास्टेड तक रहती हैं। और सिर्फ ये है कि इनको अर्थ कलर होते हैं, स्टोन होते हैं वो मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, इनको अच्छे तरह से प्रिजर्व करो तो ये एज ए एंटिक्स होते हैं। ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये एज ए एंटिक्स हैं। आप जितनी देर अपने पास रखोगे, जैसे आप म्यूज़ियम में पेंटिंग देखते हो तो आज उनकी कीमत करोड़ों में है, तो वो क्यों करोड़ों में है, इसलिए कि उन्होंने टाइम पीरियड निकाला हुआ है, इन्होंने टाइम पीरियड निकालना है। इसमें हम 24 कैरेट गोल्ड भी यूज़ करते हैं, गोल्ड को प्रोसेस होता है उसका, पत्तियाँ होती हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, तो हम उसको ऐसे ही रख के पूरा घोल के सॉल्यूशन के साथ इसमें किक्कर गम का यूज़ होता है। किक्कर हमारे यहाँ पे एक पेड़ होता है, उसकी ग्लू होती है गम, उससे हम क्या करते हैं उन पेजों को गोल्ड के पेज लेके या सिल्वर के पेज लेके वो जो पत्ते मिलते हैं उनको पतली पाउडर फॉर्म में, फिर उनको प्रोसेस करके उनको घोला जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में लाके फिर हम पेंटिंग्स में आपको जितना भी ये गोल्ड दिख रहा है, इसके ज्वेलरी जो है या ड्रेस है, जैसे राजा थे, कृष्ण तो राजा थे, रानी थे उस टाइम, राजाओं का टाइम था तो गोल्ड सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता था, तो इसमें बसोली पेंटिंग में जो है जो गोल्ड सिल्वर है जो हम अभी भी यूज़ करते हैं, कई लोग डिमांड्स के लिए अपने अपने खुद के लिए बनाते हैं तो वो हमें 24 कैरेट हम उसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे मेकिंग प्रोसेस, और अब हम मैम से पूछते हैं कि ये बसोली पेंटिंग, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे हैं ये बसोली एक तरह का आर्ट है और ये इस तरीके के हैंडमेड पेपर पे बनता है, बट इसके अलावा मैम और कैसे कैसे इन्फ्यूजन इस बसोली पेंटिंग में लेके आ रहे हैं? मैम बसोली पेंटिंग की एक अपनी पहचान है, तो जैसे इसका डीप ये बॉर्डर रहता है ऑरेंज शेड का या रेड बॉर्डर, इसकी पहचान है, फ्लैट बैकग्राउंड है और राउंड शेड पेड़ हैं। जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे आया तो जब उसने देखा राधा कृष्णा तो लिए उसने हीरो, लेकिन यहाँ के लोकेशन भी लेनी थी, उसने पूरा देखना था, तो उसने क्या किया दूर से, जैसे दूर से पेड़ देखोगे यहाँ पे आम के पेड़ हैं, जैसे पीपल का पेड़ है या वाटर ब्रश है, यही आसपास के जो सराउंडिंग जो उनके आगे पीछे उसको पेड़ दिखे, वो जैसे आप दूर से विजन देखते हो किसी चीज़ का तो वो राउंड देखता है आपको, तो उसने राउंड शेड के पेड़ बनाए, फ्लैट बैकग्राउंड बनाई। और ये तो हिंदू कृष्णा वेस्ट तो है ही है, इस पर 3 सीरीज बनाई उसने, रसमंजरी रागमाला गीत जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें उसने ज़्यादा फोकस जो किया फिगर को किया, तो इसमें जो है ज़्यादा शेड वर्क है, इसकी आँखें जो हैं जैसे यहाँ के लोगों की उसने देखा होगा आर्टिस्ट ने कि हमारे जो बसोली के राजा थे उसकी आँख बताते हैं कि बहुत मोटी सी थी, बादाम के शेप की,
तो उसने वो उसको सुंदर लगी, वहाँ के लोग भी मोटी आँख वाले थे, मैक्सिमम लोग पहले जो थे उनकी आँखें मोटी रहती होंगी, तो उसने क्या किया कि जो कृष्णा बनाए, जो राधा बनाए, जो फेस बनाया उसमें आँख जो है उसने मोटे साइज़ की थी, बादाम के शेप की दी आँख उसने, इसके जो थिक फीचर्स हैं जो भी हैं, और इसमें लताएं जैसे आप ये देख रहे हो, ये वंडिंग्स जो हैं, जो उसने इसको इतना डेकोरेट कर दिया कि बसोली पेंटिंग जो है वो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अपने आप को डिपिक्ट कर देती है कि इसमें क्या है, क्या है इसका विज़न। और मैम इस पेंटिंग के अलावा बसोली आप कोई शॉल स्टॉल या फिर कोई ऐसे चीज़ों में कर रहे हैं? जैसे आप पहले क्या होता था कि राजा महाराज होते थे तो आर्टिस्ट तो बनाता था राजा के लिए, तो राजा ही घर का खर्चा उसका देखता था, राजा ही उसको देता था सब कुछ, वो चलता था। लेकिन आज का टाइम तो वो है नहीं, हम भी 23 साल हो गए इस चीज़ में स्ट्रगल करते हुए, तो हम देखते हैं पब्लिक टेस्ट कि जो लोगों को पसंद हो, बसोली तो बनाते ही हैं, उससे हटके भी हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे हमने ये बनाया है छकरा सा, तो जैसे आज आप देखते हो गांव में बुलकार, हाँ तो वो हमने बनाया हुआ है। ये हमने मुग़ल आर्ट पे, जैसे रानी बनाते थे मुग़ल आर्ट पे बनाया हुआ है। पब्लिक टेस्ट के लिए हम बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये है डिफरेंट, जो लोगों का टेस्ट होता है वो हम बनाते हैं, क्योंकि हमें तो घर चलाना है अपना, वो हमें खुद से ही चलाना है, तो जो पब्लिक का टेस्ट होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। अच्छा। उससे अभी पहले तो कभी बसोली पेंटिंग पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे पास ये ऑर्डर आया है। अब हम शॉल पे भी ये काम कर रहे हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये मिल के बनाया, बसोली पेंटिंग बनाई हुई है, ये शॉल पे है, ये फर्स्ट टाइम बना है। कितना टाइम लगा मैम इसको बनने में? हमें इस पे काम करते हुए अभी 3-4 months हो गए इस पे काम करते हुए, अभी भी थोड़ा कम, बहुत सारा काम इसमें बाकी है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी इसको डीप बॉर्डर देना है, इसमें थोड़ा फीचर्स का है, थोड़ा सा काम करने को बाकी है। जैसे लोग इसको हमारे J&K में जो इसको क्राफ्ट बना के रखा हुआ है, जैसे अभी तक हमारे स्टेट को ये पता नहीं है कि बसोली आर्ट है कि क्राफ्ट है। हाँ, जैसे कि एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि जो बसोली पेंटिंग होते हैं इसके कोई लेमिनेशन नहीं होता है, तो क्योंकि आपने इसे बताया कि सारे के सारे कलर्स नेचुरल है, डाइड है, और जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल डाइड कलर कुछ टाइम के बाद फिर ये थोड़े डल हो जाते हैं, तो उसके लिए इसको प्रिजर्व करने का क्या टेक्निक है? हाँ मैम, ये क्या है कि ये बसोली पेंटिंग जो है इसमें अर्थ कलर यूज़ होते हैं। अभी भी आप देखते हो जैसे महलों में देखते हो पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन उनमें कलर अभी तक प्रिजर्व हैं। वही टेक्निक ये इसमें है, ये स्टोन कलर, वेजिटेबल और फ्लावर कलर हैं। जैसे कुछ मेडिसन्स हैं इसमें, जैसे शंग्रफ है हमारा, तो वो रेड कलर यूज़ होता है, इसमें लीफ के कलर हैं, फ्लावर के कलर, और इसकी जो ये जो शीट जो इसमें यूज़ की जाती है ये भी हैंडमेड शीट है। ये इसको बसली पेपर बोला जाता है। ये क्या होता है कि जैसे पेपर माशी आप पेपर लेते हो, काफ़ी सारे पेपर, उसको क्या होता है हमारे यहाँ पे एक केमिकल मिलता है नीलत होता, उसको पॉइजन एज ए पॉइजन होता है, उसमें मिक्स करके वो क्या होता है कि पेज को खाता नहीं है। जैसे हम कोई भी ग्लू लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो कोई भी फंगस या कीड़ा उसको खा लेता है। इस पे ये लॉन्ग लास्टेड पेज है। जैसे आप पुरानी पेंटिंग्स देखते हो, आज भी म्यूजियमों में पेंटिंग्स देखते हो, यही चीज़ है वो भी, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड निकाला है, इसने टाइम पीरियड निकाला है, और हम इसकी गारंटी देते हैं कि इसको मॉइस्चर नहीं होना देने। जैसे आप फ्रेमिंग करवाते हो या कुछ करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि बरसात के दिनों में फंगस आ जाता है या मॉइस्चर हो जाता है उसके अंदर, इसको मॉइस्चर से बचाना है। इसको ऐसे खुला छोड़ दो, हम नहीं बोलते कि आपको इसको लेमिनेट करो, इसको खुला छोड़ दो, ऐसे नॉर्मली इसका डबल फ्रेम होता है वो करवा के रख दो, 1 साल इसको बरसात के मौसम से बचा के रखना है, उसके बाद हम इसकी फुल गारंटी देते हैं। आप तो पानी में डिप करके निकालो इन पेंटिंग्स को, कुछ नहीं होगा। हम अपनी कलर्स की गारंटी देते हैं क्योंकि ये सब ओरिजिन कलर हैं, सिर्फ स्टोन पत्थरों के कलर हैं, फूलों के कलर हैं, और हम खुद भी बनाते हैं ये कलर, और हम इसकी गारंटी देते हैं। तो गाइस ये था पूरा बसोली पेंटिंग के बनने का तरीका। मैम ने भी हमारे को काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी, सर ने भी हमारे को काफ़ी कुछ बताया। तो सर और मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या एंड मैसेज है गवर्नमेंट के लिए या फिर वो लोग जो इस व्यूअर्स जो
इस बसौली पेंटिंग को देख रहे हैं, क्या आप अपना एंड मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सर आपसे पूछती हूँ। एक्चुअली सिखा तो रहे हैं हम, मगर ये वो खाली एक क्वेश्चन पूछते हैं हमें कि आप बच्चों को ये बोलो कि इसका बड़ा स्कोप होता है और इसके लिए बड़ा कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें 20 या 23 ईयर्स हो गए ये काम करते हुए, मगर इसका गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है। हमें बच्चे पूछते हैं कि आपको इसका आगे कैसे इसको, चलो हमने जितनी मेहनत की जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम अपने लेवल पे आके लोगों को बता रहे हैं कि ये बसौली पेंटिंग है, ये बसौली पेंटिंग है, उसकी वजह से हमें ये सब करने में 20 साल लग गए। 20 साल हम बच्चों को कैसे बोलें कि आप इसमें फ्यूचर बनाओ? हम बच्चों से तो धोखा कर रहे हैं, हम तो सीधा उनको ये बोल रहे हैं नहीं यार आप ये काम करो आपको बड़ा फायदा होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। और गवर्नमेंट की तरफ से इवन कि ये भी नहीं है कि आपने आर्टिस्टों की पोस्टें निकाली हैं, जब बच्चा वही देख के करता है नहीं यार इसकी कल को नौकरी मिल सकती है इस आर्ट में, तो हमें ये करना चाहिए आगे, उसकी वजह से भी हम बड़ी पीछे रह गए हैं। जो बच्चे सीखते हैं गवर्नमेंट ने स्टेफन वगैरह लगाए हुए हैं कि जो बच्चा सीखेगा उसको पैसे देंगे, वो बच्चा पैसे के लिए आता है, सीखने के लिए नहीं आता। मुझे 5-6 साल हो गए सिखाते हुए बच्चों को, वो ऐसा इंटरेस्ट जो था ना बच्चों का, जैसे हम सोचते थे छोटे होते कि नहीं यार हमने ये करना है, अपना एम बनाया था कि मैंने बसौली में नहीं सीखनी है तो सीखनी सीखनी है, मैंने आगे काम करना है। आजकल के बच्चों में वो रहा ही नहीं है, क्योंकि सारे ये है कि हाँ ये करें हम इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। अभी तक हमारे पूरे स्टेट में 6 या 7 आर्टिस्ट हैं जो बसौली पेंटिंग करते हैं, उसके अलावा कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता, और प्रोफेशनल जो हैं वो खाली 3 या 4 आर्टिस्ट हैं जो आपको प्रोफेशनल मिलेंगे इसके। मैम आपका कुछ एंड मैसेज? हमने तो इस वे से तो करा नहीं कि हाँ भाई, मुझे तो ये था, हम लोगों को ज़्यादा ये था कि ये मेरे बसौली का आर्ट है, मैं उसी गांव की हूँ, मुझे अपने गांव पे गर्व है कि मेरे बसौली का नाम J&K में और पूरे वर्ल्ड में तब जाना जाता है बसौली पेंटिंग के नाम से। और मैं अपने घर में देखती थी कि बसौली पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसा तो होगा जो इतनी दूर से लोग इसको इतने क्रेजी हैं इसके, तो हमारे गांव में कोई भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, एक दुकान लोग, 1-2 बंदे कर रहे हैं काम। तो मुझे था कि मैं क्यों ना ये हम लोग ये सीखें और इसको ज़्यादा बढ़ावा दें, और हमारी स्टेट में अगर नहीं है तो अब इतना रोना रो चुके हैं कि स्टेट नहीं कर रही है लेकिन हम इंडिविजुअली इसको मरने नहीं देंगे, इतना हमें अपने में इतना भरोसा है मुझ पर और इन पर कि हम दोनों जब तक हैं मरते दम तक, आर्टिस्ट तो सीखता ही रहता है, आर्टिस्ट तो मरते दम तक सीखता है, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे, मुझे बड़े सारे लोगों ने ये बोला कि इसमें आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या कर रहे हो, इसमें बहुत स्कोप है, फ्यूचर है, लेकिन हमारी स्टेट में नहीं है। जब हम स्टेट से बाहर जाते हैं तो हमें अपने आप में, हम क्रेजी अपने आप को मानते हैं कि हाँ कि हमारी कोई पहचान है, लेकिन जब हम लखनपुर से क्रॉस होके जम्मू एंटर करते हैं तो हम लगता है नथिंग एट ऑल, हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेट ना इसको देख रही है ना इसके लिए कुछ कर रही है। तो अगर बाहर जाते हैं वो बोलते हैं आप बसौली से हो, आप बसौली पेंटिंग करते हो, ये आपने बनाई है, तो हमें अपने अपने बसौली पे भी गर्व होता है और अपने पे भी गर्व होता है, लेकिन हमारी स्टेट में ना हमारी कोई आइडेंटिटी है, हमको प्रूफ, अपने आप को प्रूफ करते हुए 23-24 ईयर्स हो गए लेकिन अभी तक हमारी स्टेट ने हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं दी है। जी सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर म्यूजियम में हमारी बसौली पेंटिंग जो है वो लगी हुई है। उस पेंटिंग में स्पेशल ये है कि जो उसको, जैसे आपने ये देखा इसमें बॉर्डर जो है रेड है, मगर उसमें रेड बॉर्डर नहीं है, उसमें ब्लू कलर का बॉर्डर लगाया है। इवन कि श्रीलंका म्यूजियम में बसौली पेंटिंग लगी है, पूरे वर्ल्ड में आपको बसौली पेंटिंग मिलेगी, मगर यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि ये बसौली पेंटिंग है या कांगड़ा पेंटिंग है। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये पता नहीं होता, काम कर रहे हैं वो भी हाँ जी कर रहे हैं, मगर ये पता नहीं है उनको ये बसौली है या कांगड़ा है। वो फिर जब कोई फेसबुक पे या किसी पे डालता है तो हम उसको कमेंट करते हैं कि नहीं भाई ये बसौली पेंटिंग नहीं है, पहले बसौली पेंटिंग की नॉलेज लो फिर उसके बाद उसको पोस्ट करो। बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको बताया कि बसौली पेंटिंग किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से बनती है, इसकी हिस्ट्री बताया कैसे कैसे इसको कितने हार्डशिप से ये मिनिएचर आर्ट को बनाया जाता है। एंड इवन गाइस अगर आपको धीरज सर और सोना मैम की स्टोरी पसंद आई हो, इनकी लाइव स्टोरी पसंद आई हो, तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर न्यू टू इट। इवन गाइस अगर आपको बसौली पेंटिंग इनसे डायरेक्टली खरीदना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, या फिर हम इनका
कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉपर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, देन डू चेक इट आउट। और इनके प्रोडक्ट्स को ज़रूर ज़रूर प्रमोट करिए, बिकॉज हमारी भी कोशिश रहती है कि हम लोकल को ग्लोबल कर सकें और इनके आवाज़ दूर दूर तक पहुँचा सकें। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर करिए और इनकी स्टोरी मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं एक न्यू कल्चर और एक न्यू आर्टिसन की स्टोरी। तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। जैसे कि अभी हम लोग ने अपना लास्ट ब्लॉग शूट करा है अभी जम्मू में, और हम लोग जहाँ पर थे अभी वो थी सैनी कॉलोनी, और वहाँ से आप आना वो समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे इतने रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलते हैं। तो हमारे को वीर जी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, वहाँ से हम ट्रिपलिंग करके आ जाए हैं स्कूटी में। तो थैंक यू सो मच वीर जी आपका। बिल्कुल वीर जी, आपका नाम क्या हमारे व्यूअर्स को बता दें? मेरा नाम साहिल सिंह है मेरा नाम। अच्छा, साहिल सिंह नाम। और आप जम्मू के रहने वाले? हाँ, मैं जम्मू का रहने वाला। क्या बात है। तो गाइस ये बहुत हेल्पफुल है वीर जी, और इन्होंने लिटरली हमारे काफी हेल्प करी। थैंक यू सो मच वीर जी, नेक्स्ट टाइम जम्मू आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू, चलिए बिल्कुल।